अगली खबर में बात करते हैं कसरावत की, जहां नगर के नए बस स्टैंड नर्मदा कॉम्प्लेक्स पर बुधवार को आम आदमी पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने फीता काटकर किया। कसरावत नगर पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का और कार्यकर्ताओं का वरिष्ठ नेता प्रहलाद सिंह तंवर की अगुवाई में जोरदार स्वागत किया गया। आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जो सभी समाज धर्मों को साथ लेकर चल रही है। आम आदमी पार्टी भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं करती है। आम आदमी पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। वहीं कसरावत विधानसभा क्षेत्र के 30 से अधिक कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष ने फूल माला पहनाकर आम आदमी पार्टी में आए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री राजकुमार दुबे, महेश्वर नगर पंचायत प्रभारी प्रहलाद सिंह तंवर, मुश्ताक मलिक, सैलेन चौबे सहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। चुनाव होते हैं पर हमारे कार्यकर्ता लड़े तो पार्टी लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही है। आज ये विधानसभा का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मेरे तरफ से सभी साथियों को बधाई। खरगोन में हम अभी कार्यक्रम करके आ रहे हैं, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम, वहाँ भी बड़ी संख्या में साथी उपस्थित थे। इस कार्यालय के माध्यम से मैं अपने कार्यकर्ता साथियों को, पदाधिकारी साथियों को कहूँगा कि इस पूरे क्षेत्र में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में लोग यहाँ जो आएँ अपना काम लेकर, उन कामों को हम सबको पूरा करना है और कामों को पूरा करने के साथ साथ अपने संगठन को वो तेजी, वो धार देना है ताकि हम 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा बदलाव ला सकें, इस विधानसभा को आम आदमी पार्टी जीत सके। जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल दिल्ली में चल रहा है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, युवाओं को रोजगार देने का, किसान भाइयों को फसल के दाम, माताएँ बहनों को सुरक्षा सम्मान, वो मॉडल हम खरगोन जिले की हर विधानसभा में लाएं। इस विधानसभा में भी हमारे कार्यकर्ता उस मॉडल के तहत घर घर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें।